अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आर्म्स कुक बुक। बहुत ही मज़े की, बहुत इजी सी रेसिपी लेके आई हूँ आज आपके लिए, जो कि है बकलावा। बहुत मज़े की, बहुत कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फिलो शीट्स ली हैं, रेडीमेड फिलो शीट्स ईजीली अवेलेबल हैं। उनको हम स्प्रेड आउट करेंगे और जिस भी डिश में हमें बकलावा बनाना है उसके हिसाब से इनको कट आउट करेंगे। इस तरह से शीट सारी फैला के ऊपर डिश रख के और उसको सारा कट आउट करेंगे। जो साइड्स की उसकी शीट्स हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगी, उनको भी संभाल के रखेंगे, उनको भी इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। उसके बाद पहले एक पॉट में, एक पैन में मैंने बटर लिया है, 250 ग्राम्स बटर है। तो इसको मेल्ट करेंगे और इस बटर के साथ इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून्स ऑयल शामिल करूंगी, जो कि बटर को बर्न होने से, जलने से बचाएगा। तो इस बटर को अब हम लो हीट पे अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होगा, ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये सारा फॉर्म आया है, जो झाग आई है सारी, इसको हम रिमूव कर लेंगे। क्योंकि ये झाग जो है, ये फॉर्म अगर हम अपनी रेसिपी में यूज़ करेंगे तो ये ओवन में जाके जल जाएगा और उस पर बहुत बुरा इफ़ेक्ट और बुरा टेस्ट देगा। मैंने वॉलनट्स चूज़ किए हैं, आप कोई भी नट्स अपनी चॉइस के चूज़ कर सकते हैं। 250 ग्राम्स इनको मोटा मोटा कूट लूँगी, बहुत पाउडर नहीं करेंगे, ज़रा चंकी सा ही रखेंगे। अब ब्लेंडिंग की बारी आती है इस डिश में। सबसे पहले नीचे बॉटम पे बटर लगाया, उसके ऊपर तकरीबन 4 से 5 फिलो शीट्स रखी हैं। अब इसके ऊपर इसको भी बटर लगाएंगे अच्छी तरह से। अब ये पर्सनल चॉइस है कि आप इसमें सिंगल लेयर नट्स की लगाना चाह रहे हैं कि डबल लेयर। मैं इस वक्त जो बना रही हूँ बकलावा, उसमें सिंगल लेयर नट्स की लगाऊंगी। तो उसके लिए हाफ़ फिलो शीट्स मैंने रखी हैं, हर 2 फिलो शीट्स के बाद उसके ऊपर बटर लगाएंगे और इस तरह से हाफ़ शीट्स रख के उसके बाद ऊपर सारे नट्स अपने स्प्रेड किए हैं। और जो साइड की कटिंग्स जो बची थी हमारी फिलो शीट की, वो भी इसके ऊपर इस तरह से अरेंज कर दी हैं। ये बहुत अच्छा ज़रा क्रंची सा टेक्स्चर देंगी। अब मैं अपनी बाकी सारी जो फिलो शीट्स हैं वो भी इसके ऊपर लेयर कर दूंगी। अगेन हर 2 शीट्स के बाद इसके ऊपर बटर लगाएंगे और अच्छी तरह से इनको इस तरह से अरेंज कर लेंगे। तो अगेन अगर आप चाहते हैं कि डबल लेयर वाला बनाएं, तो आप इसी तरह भी फिलो शीट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। फर्स्ट लेयरिंग, उसके बाद नट्स, उसके बाद अगेन दोबारा लेयरिंग, फिर नट्स, फिर थर्ड में अगेन लेयरिंग। लेकिन मैं यहाँ सिंगल लेयर में बना रही हूँ, तो अब बस अपनी ये सारी फिलो शीट्स इसी तरह अच्छी तरह से अरेंज कर रही हूँ। अब बारी आती है कटिंग की। आप अपनी चॉइस के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं, डायमंड शेप में या स्क्वायर शेप में। मैं यहाँ पे डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। बस एक बात का ख्याल रखें कि बिल्कुल एंड तक हर जो फिलो शीट है कटे, कोई बीच में से छूट ना जाए। बड़े ध्यान से और एंड तक आराम आराम से आप इसको कट कर लें। कटने के बाद इसके ऊपर सारा मेल्टेड बटर जो है वो हम डाल देंगे इस तरह से। आप चाहें तो आप इस रेसिपी में बटर की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह बटर डालने के बाद 5 मिनट इसको रेस्ट दूंगी और उसके बाद प्री हीटेड ओवन में 170 डिग्री पे 25 से 30 मिनट के लिए इसको बेक करूंगी। अब यहाँ पे हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं, जिसको शरबत कहते हैं वैसे। एक पैन में मैंने 2.5 कप पानी लिया है और उसके अंदर 500 ग्राम्स शुगर डाली है। इस चीनी को अब हम मेल्ट करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक लीमू का टुकड़ा इसके अंदर शामिल करूँगी इस तरह से। और साथ में इसके अंदर तकरीबन 1 बड़ा टेबलस्पून जो है भर के फ्रेश लेमन का जूस स्क्वीज़ करूँगी इसके अंदर। इस तरह से, और इसको हल्की आंच पे हम तकरीबन 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। इसका शीरा बहुत गाढ़ा नहीं होगा। अभी इसको ढक के मैं पकाऊंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक और फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन हो गया, 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं अभी भी ये बहुत थिक नहीं है, इसने अपना कलर चेंज नहीं किया। मैं इसका जो शीरा है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए, बस इतनी कंसिस्टेंसी उसकी हो कि जब उसको चम्मच से टपकाएं तो वो इजीली गिर जाए और जो लास्ट उसका ड्रॉप आप देख सकते हैं वो थोड़ा सा थिक हो, थोड़ा सा चिपकने वाला हो। इस बात का भी ख़ास ख्याल रखेंगे कि हमें ये शीरा इतना गाढ़ा नहीं चाहिए कि इसके अंदर तार बने, वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। बस ऐसा हो जैसा ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा चिपकने वाला। अब इसको ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पे। बकलावा हमारा बेक होके बिल्कुल रेडी है। इसको हम 5 मिनट का टाइम देंगे रूम टेम्परेचर पे, थोड़ा सा लेके आएंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम अपना ठंडा हुआ जो शीरा है वो डालेंगे, गर्म शीरा नहीं डालेंगे, इसके ऊपर ठंडा शीरा डालेंगे। और बकलावा भी जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा।
ताकि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म बकलावा के ऊपर गर्म ही शीरा भी डाल देंगे तो ये ज़रा सॉगी हो जाएंगी, जो फिलो शीट्स है हमारी इसकी वो क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसको अब हम तकरीबन एक घंटे के लिए सेट होने देंगे और उसके बाद हमारा तैयार है बहुत ही मज़े का ईजी टू मेक बकलावा। और आप चाहें तो आप ऊपर से इसको मज़ीद नट्स के साथ गार्निश कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।